हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और कैसे हैं आप सब? और आप जैसे कि आजकल देख रहे हो कि एक बड़ा हॉट टॉपिक चला हुआ है। आपने देखा होगा कि अरुण पवार भाई हैं हमारे, उनकी स्कॉर्पियो के अंदर जो पानी घुस गया था, आपने देखा होगा जब उन्होंने एक वाटरफॉल के अंदर अपनी गाड़ी डाली थी, तो उसके अंदर सनरूफ के थ्रू पानी घुस गया था और काफ़ी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था भाई। तो अब उसके ऊपर क्या हुआ है, वो कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो मैंने भी सोचा कि मैं कुछ अपना भी एक इनपुट दिया जाए, कि मैं भी यार देख रहा हूँ, एक पैनोरामिक सनरूफ हो है, होल्ड करता हूँ, ये क्रेटा है, आपको पता ही होगा, देखने से आपको पता चल गया होगा और पुरानी वीडियोस में भी आपने देखा होगा। तो भाई इसके ऊपर बात करते हैं आज कि ये जो कंट्रोवर्सी जैसे कि उठी है, इसमें कौन गलत है, कौन सही है, कितनी फेक है ये, कितनी सही है, आज हम इस जो वीडियो है या इस टॉपिक है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो भाई चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भाई पहले तो मैं आपको बता दूं कि अरुण पवार भाई जो है अपने, वो अपने ट्रिप पे निकले हुए थे काजा वगैरह के लिए, पूरा जो अपनी ट्रिप है वो कर रहे थे, तो उन्हें एक झरना दिखता है, उस झरने के अंदर वो अपनी जो स्कॉर्पियो एन है, जो कि टॉप मॉडल है, ZL 4x4 टॉप मॉडल, लगभग 28-30 लाख रुपए का प्राइस है, उसे लेते हैं और उसको जाकर के अपनी वहां पे झरने के नीचे खड़ी कर देते हैं। अब होता क्या है भाई, जैसे वो झरने के नीचे खड़ी करते हैं तो एकदम क्या होता है कि उसकी उनकी जो गाड़ी है उसके ऊपर जो है पानी अंदर घुसना स्टार्ट हो जाता है, और वो पूरे के पूरे जो उनके स्पीकर्स वगैरह होते हैं उसमें से पानी जो है उनका गिरना स्टार्ट हो जाता है, और आई की जो आपकी ये होती है जहाँ पे आपकी LED कैबिन लाइट्स वगैरह जो होती हैं उनके अंदर भी पानी, उनका माइक्स वगैरह जो है वो भी उनका काम, पानी नीचे चले आता है पूरा का पूरा। अब होता क्या है भाई, जब वो चले आता है पूरा का पूरा तो एकदम अपनी गाड़ी एकदम बाहर निकालते हैं उसको, बाहर निकाल के जैसे वो देखते हैं कि मतलब ऐसा हो रखा है तो वो चेक करते हैं, बेसिकली वो ना चेक करते हैं कि भाई ऐसा क्या होगा जो एकदम जो है सनरूफ के अंदर जो है ये दिक्कत आ गई। तो अब इसमें चक्कर क्या हुआ है भाई कि उन्होंने जो अपना बेसिकली ये कंट्रोवर्सी तब उठ गई जब उन्होंने अपने शॉट डाला, शॉट के अंदर उन्होंने सिर्फ इतना दिखाया कि उन्होंने गाड़ी नीचे खड़ी करी और जो पानी घुस गया, ठीक है, उसके कारण ना काफी मतलब कि वो हो गया, उसके अंदर थोड़ा सा महिंद्रा वालों का भी और भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, कई लोग मतलब कि जो महिंद्रा के थे उन्होंने भी जो सपोर्टर कह लो या कुछ भी कह लो वो कह रहे कि नहीं यार ये फेक है या ये वो है ये है वो है, और मतलब कि जानबूझ के इसने ऐसे करा, यहाँ तक किसी ने कहा कि भाई किया से पैसे मिलते हैं। तो भाई फिर हुआ क्या कि उन्होंने अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है मेरी जो रबड़ जो थी वो निकल गई थी, जिस कारण जो है ये इशू हुआ। इन बिटवीन क्या करता है महिंद्रा, क्या करता है महिंद्रा भाई, अपनी एक स्कॉर्पियो अलग से लेकर के भेजता उसी लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे जहां अरुण भाई ने अपनी गाड़ी जो है उसके से जो वाटरफॉल के नीचे खड़ी करी थी भाई, तो खड़ी ले भेजते हैं और दिखा देंगे भाई देखो जी हमारी गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई करके ऐसे। अब यार ये मतलब कि इतनी छोटी सी बात को महिंद्रा भी अपनी ईगो पे ले गया इतने, और यार एक चीज बताओ भाई, जब किसी की गाड़ी में दिक्कत आएगी तो वो शो करेगा ही उसके अंदर की क्या दिक्कत है। अब उसको आपने इतना वो ले लिया कि मतलब कि आपने अपने एक स्पेशल गाड़ी आपने भेजी वहां पे इतनी दूर तक जा करके, आप एक काम करते आप छोटी सी वीडियो डाल देते उसमें बोल देते भाई ठीक है ये इशू है, या वीडियो भी डालते हैं जैसे ही वो बंदा जो मैं अरुण है अपना जाता आप रेक्टिफाई करके बताते स्पेशल की देखो जो मैं रेक्टिफाई कर दिया कोई इशू नहीं आ रहा। अब उसके ऊपर कई लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये तो किया की बढ़ाई करता है, और क्या कहते हैं कि जी ये तो अपना क्या कहते हैं इसको पैसे मिलते हैं, क्या वाले पैसे दे रहे हैं। अरे भैया कोई किसी को पैसे नहीं देता यार, कोई नहीं देता आज की डेट में ना भाई, हमें पता है हम एक वीडियो बनाने के लिए ना जब शोरूम पे जैसे अभी क्या कि मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट यदि मैं ट्राई कर रहा हूँ मुझे पता है भाई कितनी मतलब इतनी दिक्कतें हो रही हैं भाई मुझे वहां पे बात करने में, वहां पे परमिशन लेने में, वो हमें ही पता है, तो कोई बंदा स्पेशल पैसे क्यों देगा यार कि भैया तुम इसकी बुराई कर दो इसकी अच्छाई कर दो, कोई किसी को रुपये नहीं देता भाई, उसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बंदे ने 28 लाख रुपए दिए हैं, 28 लाख रुपए खर्च करे हैं, तो अपनी जो दिक्कत आएगी वो फेस जो करेगा वो बताएगा भाई आपको, ठीक है, कोई बंदा पागल नहीं है 28 लाख रुपए देके चुप बैठ जाएगा कि भैया नहीं मेरी तो गाड़ी ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि मैं बताता हूँ आपको, बेसिकली बात क्या है कि आपको पता होगा कि फर्स्ट लॉट की गाड़ी है जो अरुण ने ली हुई है, अरुण पवार भाई ने ली हुई है,
तो फर्स्ट गोल्ड लॉटरी गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत फेस होती हैं, दिक्कतें आती हैं और ये हर किसी को पता है। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं यार मैं इसमें कहूंगा कि महिंद्रा टाटा में ये थोड़ा सा है कि फर्स्ट लॉटरी गाड़ी में थोड़ी दिक्कत भी ज्यादा है और थोड़ा सा ना ये एंटरटेन करने में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, अच्छे से एंटरटेन नहीं करते हैं। इस मामले में कहीं ना कहीं आपको मारुति हो गया, हुंडई हो गया, ये सब गाड़ी कहीं ना कहीं काफी आगे है इन चीजों के मामले में। जैसे कि मैंने भी अपना बताया था, मैंने भी एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं क्लच में इशू आ गया था सेकंड सर्विस के अंदर ही, बट भाई उन लोगों ने बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले पूरा क्लच असेंबली चेंज कर दी विदाउट ए रुपी, एक रुपया नहीं लिया उन्होंने, पूरी असेंबली चेंज कर दी मेरी। तो ये चीज होती है यार, मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगा कि भाई देखो अरुण भाई की भी कोई गलती ही नहीं है, वो खुद उन्होंने बोला कि भाई मेरी रबड़ जो है वो वहां से जो है हट गई थी और इस कारण जो पानी घुस गया, जो कि एकदम लाजिब बात कही है उन्होंने। क्योंकि ये जितनी भी होती है सनरूफ, मैं आपको दिखाता, मैं आपको खुद बताता हूँ मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था। मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ वाटर लीकेज का, मैं सही बताऊं तो मैंने बहुत हैवी हैवी रेनफॉल, जो वाटरफॉल तो नहीं है बट हाँ कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जब फ्लाईओवर्स वगैरह जैसे दिल्ली में है तो वहां पे कई बार पानी बहुत प्रेशर से टपकता है। तो भाई मेरी गाड़ी को मुझसे 10-15 दिन हुए थे तभी ये चीज मुझे फेस करनी पड़ गई थी कि मेरी गाड़ी किसी वाटरफॉल के कारण मजबूरी में फंस गई। ट्रैफिक इतना था, 10 जगह नहीं मिली, कोई जो सब जाने को तैयार नहीं होता, मेरी गाड़ी ऐसे फंस गई उस वाटरफॉल उसके अंदर फॉल के अंदर कि गाड़ी एकदम वहीं के वहीं खड़ी हो गई और मुझे इतने तेज वाटरफॉल था मुझे बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था, कोई वीडियो नहीं है भाई। तो मैं इसे आपको ये कहूंगा आप मेरी बात बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उसमें मेरे को कोई लीकेज नहीं मिला, इस बात को लेकर के मैं काफी खुश था कि भाई चलो हमारे साथ ऐसा कभी सिचुएशन फेस नहीं हुई है। मेरे साथ सिचुएशन ये फेस हुई कि भाई मेरी गाड़ी जो है सनरूफ जो थी वो टूट चुकी है एक बार, मैंने उसको रिप्लेस कराया। बट मैं आपको सही बताऊं, मैं अब मेरे अंदर बिल्कुल भी मतलब कि क्या कहते हैं रिस्क लेने का कोई भी चांस नहीं लूंगा, बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं इसे कहीं पे वाटरफॉल में खड़ा कर सकूं, क्योंकि एक बार चेंज हो गई है, उन्होंने चीजें चेंज कर दी हैं, उन्होंने बोल भी दिया है कि भाई 100% हम श्योर हैं कि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मैं अब इन फ्यूचर जो है इतनी हिम्मत नहीं रखूंगा कि किसी वाटरफॉल के नीचे जो कि काफी तेज वाटरफॉल होगा उसके अंदर मैं खड़ी करूंगा। अब यार बात करते हैं कि वो जो रबड़ जो थी जिस कारण जो ये सब हुआ, ठीक है, उसके वो क्या था कैसे था, तो मैं अपनी जो पैनोरामिक सनरूफ है उसमें दिखाता हूँ। तो एक मिनट देखो आप, तो हम लोग क्या करते हैं अपनी पैनोरामिक सनरूफ खोलते हैं, ये हमने खोली, ये देखो यार, ये मैं आपको बताता हूँ जो उनकी दिक्कत आई, ठीक है, बेसिकली ये रबड़ थी, वो यहाँ पे जो रबड़ थी वो उनकी लीक कर गई थी। एक मिनट मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ कैमरे को, ये आप देखना इस साइड की ही रबड़ थी उनकी जो लीक कर गई। अब ये पैनोरामिक सनरूफ पे तो मेटल लगा हुआ है बट यहाँ पे भी कहीं रबड़ है इन लोगों की, मैं आपको बताता हूँ इस साइड आप देखोगे ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यार ये जो रबड़ है ये रबड़ थी वो, और इसमें शायद जो है इस साइड में ये मेटल ही है पूरा का पूरा अपनी क्रेटा के अंदर जो है, ये भी पूरा इसका मेटल ही है पूरा का पूरा आप देख सकते हो, और यही पूरा मेटल ही है, इसमें रबड़ नहीं है। तो बेसिकली जो रीज़न था ना वो यही रबड़ था, ठीक है, उनके में वो रबड़ यहाँ चिपकी हुई थी, इस तरह चिपकी हुई थी उनकी में रबड़, और इसमें क्या है वो रबड़ जो है हमारी इस तरफ है, बेसिकली ये रबड़ है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट वे में पेस्ट होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं मेरी जब ये सनरूफ टूटी थी तो ये पूरी की पूरी रबड़ मेरी चेंज हुई थी, ये पूरी पूरी वहाँ तक पूरी बैक तक पूरी रबड़ इन्होंने चेंज करी थी मेरी जब मेरी सनरूफ टूटी थी, और जबकि मेरा सिर्फ जो बैक वाला पैनल है सिर्फ वही चेंज हुआ था, बाकी आगे वाला पैनल मेरा सेम टू सेम वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और ये जो रबड़ थी पूरी जो रबड़ किट थी ये भी उन्होंने पूरी नई डाल के दी थी इन्होंने, तो इसका मतलब ये रबड़ रिंग जो है ना आपकी बेसिकली ये अहम रोल प्ले करती है पूरा का पूरा आपका जो है, ये पूरा पूरा देखो आप ये पूरा वही है और ये आपका रबड़ है पूरा पूरा, ये रीज़न था यार उनकी जो है लीकेज करने का। तो हमारे में क्रेटा में ये चीज़ नहीं है, अब सबका अपना अपना डिज़ाइन करने का तरीका अलग अलग है यार, सब अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो भाई चलो बंद करते हैं इसे और एक मतलब उस पर आते हैं कि भाई क्या सही था इसमें, क्या गलत है, कौन गलत है, उस पर हम बात करते हैं।
तो यार आप लोगों ने देखा जो मैंने बताया कि ये रीजन था, और यदि आपको देखनी है कि मेरी जो सनरूफ टूटी थी उसमें क्या खर्चा आया था, क्या इनवॉइस वगैरह था, क्या क्या चीजें हैं अभी, तो वो आप मैं इसका आई लिंक है उसमें मैं डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। तो भाई इसमें मैं कहूंगा ना ही इसके अंदर कोई महिंद्रा की इशू है, क्योंकि फर्स्ट लॉटरी गाड़ी है, कहीं ना कहीं इसके अंदर जो रबड़ होगी उसमें कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट होने में, कुछ करने में कुछ कहीं से निकल गई होगी। और ये आम बात है यार, इसमें कोई इतना बड़ा मतलब ईगो वाली बात नहीं थी जो महिंद्रा ने तुरंत वहां जाकर के एक गाड़ी भेज दी और उसको रिप्लाई करने के लिए। यार यदि आपको इतना ही वो था यार, तो अपने कम से कम जो आपकी गाड़ियों में भी दिक्कत आ रही है उस पर भी इस तरह ऐसी कार्रवाई कर लेते भाई। कम से कम लोगों को ये तो होता कि चलो कार्रवाई हो रही है, आप लोग काम कहीं से कर रहे हैं। फिर आप इशू देखिए गाड़ियों में आजकल जाकर के, महिंद्रा स्कॉर्पियो की जो नई गाड़ियों की जो लॉट आई है। तो यार ये सब बस ऐसे ही है कि काफी मैटर इतना उचल रहा था, तो हमने सोचा अपनी राय बताएं। तो भाई इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है यार, ये सब चीजें हैं, गाड़ी है, गाड़ी घोड़ा होता है, इन सब में चीजें दिक्कत आ जाती हैं। और सनरूफ का लीकेज का जो मामला था वो आराम से सॉर्ट आउट हो जाता। अच्छा, उसके अंदर एक पॉइंट ये भी था कि सनरूफ बंद नहीं हो रही थी, तो लोग कहते कि यार सनरूफ भी बंद नहीं हो रही है। भाई बंद कैसे होगी, जब पानी चला गया उसके अंदर, ये जितने भी उसके बटन वगैरह, तो उसमें जब पानी ही चला गया तो कहाँ से काम करेगी भाई सनरूफ आपकी? कुछ सोचने वाली बात है ना, जो आपके पूरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही पानी चलेगा तो उसमें काम ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी आपके सारे के सारे, तो वो काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सनरूफ भी काम नहीं करेगी। कपलर्स में पानी चला गया, सब चीज में पानी चला गया, तो आपकी ना सनरूफ काम करेगी ना कुछ काम करेगी, तो अटक ही जाएगी जहां पे भी है बेसिकली। तो इसमें तो कोई वाली बात नहीं है यार। बाकी मेरा तो बस ये था कि चलो आपको एक चीज थी इसके ऊपर वीडियो बनाने की, मैंने आपके ऊपर वीडियो बना दी इसके अंदर, इस टॉपिक के ऊपर। और कोई दिक्कत नहीं, ना ही महिंद्रा का कोई इशू है, ना इसका बस इशू है, बस इशू बढ़ता जा रहा और वो दोनों की लाइमलाइट मिलती जा रही है मेरे हिसाब से। और उन पवार भाई थोड़ा सा ये हो रहा है कि जो उनके थोड़े से हेटर्स वगैरह थे, थोड़े से वो मतलब खड़े हो गए कि भैया देखो ये एक कम इंडियन ब्रांड को बदनाम कर रहा है, ये कर रहा है। भाई देखो, इंडियन ब्रांड हो चाहे कोई से ब्रांड हो, बंदे के पास दो गाड़ियां रह चुकी हैं, ठीक है, पहले भी महिंद्रा थार भी थी और ये भी थी, तो कोई बंदा पागल तो है नहीं कि वो खरीदेगा। दूसरा, 28 लाख रुपए दिए हैं, 28 लाख रुपए के अंदर यदि बंदा के ऊपर कोई दिक्कत आएगी, कोई इशू आएगा, तो बंदा बोलेगा, और मैं हूंगा तो मैं ही बोलूंगा मैंने भी पैसे दिए हैं, चाहे ये जापानीज ब्रांड है चाहे कोई सा ब्रांड है, मेरे पे दिक्कत आएगी तो मैं ही बोलूंगा भाई, ठीक है। और तीसरी बात, कोई किसी को रुपए देगा कोई नहीं बुलवाता भाई, सब अपना जो बेसिकली वो एक यूट्यूबर है और इन चीजों के ऊपर वीडियो बनाते हैं अपना, तो हर प्रकार जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उसके अंदर, उस शेयर करके काफी लोगों को हेल्पफुल भी होती है। और रही बात ये कि भाई ये इंडियन ब्रांड को बदनाम कर रहा है, ये कर रहा है, तो यार लोग खुद आते हैं अपनी दिक्कत लेकर के उनके पास कि भाई मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है, मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है, मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है, उसको हाईलाइट करना, ठीक है, एक एक चीज को हाईलाइट करना, ये एक बहुत बढ़िया बात है जो वो करते हैं अपने वीडियो के जरिए, ठीक है। इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगा कि इस मैटर को जो है यहीं खत्म हो जाना चाहिए। अब महिंद्रा ने भी दिखा दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो हम भी जानते थे ऐसा कोई इशू नहीं होगा भाई। देखो, जो बंदा महिंद्रा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, महिंद्रा बहुत बड़ी कंपनी है, अपनी जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करेगी सब चीज सर्च करके R&D करके ही बनाती है, ये कहीं ना कहीं पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं इश्यू हो गया होगा, या फिर गलती से वो अच्छी तरह से पेस्ट नहीं होगी, या फिर हो सकता है अरुण भाई के साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जिससे वो रबड़ निकल गई हो, ठीक है, क्योंकि भाई ने कई बार धुआई भी है गाड़ी, कई बार उसके अंदर उन्होंने प्रेशर भी लगवाया होगा, ऑब्वियसली बात है जब कोई धुलाता तो ऊपर से प्रेशर भी आता है, तो यदि दिक्कत होती तो उस समय ही कहीं ना कहीं पानी आ जाता उसकी गाड़ी के अंदर, ठीक है, वो यानी कि गाड़ी के अंदर पानी नहीं आया उस समय, इसका मतलब ये या तो वाटरफॉल के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ कि जो रबड़ है वो उसके ऊपर पानी जोर से गिरा या क्या हुआ, पता नहीं, जो भी इंसिडेंस हुआ भाई वो मुझे नहीं पता, ना मैं कुछ कह सकता उसके ऊपर, बट वो रबड़ निकल गई, उस कारण जो लीकेज हुई है, ठीक है। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि हर गाड़ी में ही दिक्कत हो, हर गाड़ी में, जैसे कि आपने महिंद्रा ने दिखा भी दिया कि हमारी दूसरी गाड़ी गई वो उसमें कुछ नहीं हुआ, एक डिस्क्लेमर पर डाल दिया कि भैया ये है उसके अंदर हमने परफॉर्म कराया, मतलब कि अभी वो उसके ऊपर जिम्मेदारी लेने के चक्कर में नहीं है कि भैया हमने, हमारी हर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है या कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, नहीं ले रहे भाई, पर यह है कि चलो उन्होंने बता दिया कि भाई देखो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। तो भाई ये वीडियो यहीं तक ही थी, वीडियो कहीं से भी आपको लगा हो कि हेल्पफुल हो, एक छोटा सा टॉपिक था जो कवर करना था। और मैं तो भाई कहूंगा कि ना इसमें अरुण पवार भाई की कोई गलती है, उनके पसंद दिक्कत उन्होंने बता दिया और महिंद्रा ने भी उसको प्रूफ कर दिया, बट थोड़ा सा करने का तरीका थोड़ा सा ये हो गया कि आप एक रिप्लाई दे रहे हो,
रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है रिप्लाई दो, पर यार बंदे के साथ इशू आएगा तो वो आपको बताएगा, ऑब्वियसली बात है। अब वो शायद मेरे तक आ गए और कहीं, अब देखते हैं कि महिंद्रा इसको अब इस गाड़ी को किस तरह से टैकल करता है, वो अब देखने वाली बात है आगे कि कहीं वो अपनी ईगो पे तो नहीं ले आते या कुछ है, वो जो भी है। बट मेरा तो ये मानना है कि महिंद्रा इसको ठीक कर देगा और जिस तरह से इशू ये चला है उस तरह से थोड़ा कम भी हो जाएगा, खत्म भी, मैटर भी खत्म हो जाएगा और अरुण भाई की गाड़ी जो है मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी। भाई ये वीडियो का भी एंड करते हैं, काफी बड़ी वीडियो हो गई है, बट ये टॉपिक काफी अच्छा था, काफी अच्छी बातें मुझे जानने को भी मिली और ये भी इसमें पता चला कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत भी आ जाती है। तो भाई मैंने तो डिसाइड करा कि मैं अपनी गाड़ी जो है अब वाटरफॉल में नहीं लेके जाऊंगा। और हाँ भाई, एक वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हम सनरूफ के बारे में बात करेंगे। अब सनरूफ पर टॉपिक उठा है तो सनरूफ के ऊपर बात करेंगे, क्या यूज है क्या यूज नहीं है, कितनी हेल्पफुल है कितनी हेल्पफुल नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो उसी पर आएगी। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो भी बंदा प्लान कर रहा है सनरूफ, डेढ़ साल का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि लेनी चाहिए नहीं चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू भाई।